है, एक कक्षा में, कक्षा कतार मैंने कहा था कुछ भी हो कोई फर्क नहीं पड़ता, एक कक्षा में एम का बाएं से 10वां स्थान, तथा आर का दाएं से 8वां स्थान, बोर्ड पे लिखा भाई, दोनों के मध्य में चार व्यक्ति बैठे हैं, तो कुल व्यक्तियों की संख्या ज्ञात करें। चले, तुम्हारे पास ऑप्शन रहे, कितना उत्तर आ गया? सबका 22 आ गया? किस किस का आ गया 22? सबके आ गए? और कोई? 21 आ गया। तेरा कितना आ गया? तेरा आएगा ना? है? 13 22 आ गया, पीछे 21, 13 बता भाई, यार करेगा तो ही तो आएगा, तुम तो कोई सवाल ही नहीं है यार, 13 बता भाई। हाँ कौन नहीं आया? कोशिश करा होगा यार, कोशिश तो कर जवान। हाँ 22, चलो देखते भाई, चले भाई कोई ना, यानी कि ये कह रहा है कि आपके पास एक टास्क है कि एम का बाएं से कितना होना चाहिए 10, और आर का दाएं से कितना होना चाहिए, और दोनों के बीच में कितने होने चाहिए, ये शर्त पूरी होनी चाहिए बस खाली। चलो देखते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 हो गए, एम 10 पहले शर्त पूरी होगी क्या? 1 2 3 और 4, 1 2 3 4 5 6 7 8, दूसरी शर्त पूरी होगी, दोनों बीच में कितना 4 है, तो उरा तक 10 हो गया, तो यहां पे हम कहेंगे टी बराबर एल प्लस में आर और प्लस में बीच का जोड़ दें तो आ जाओ तारे साहब, इसमें माइनस तो होने का कोई चांसेस ही नहीं है, क्यों, कोई व्यक्ति दो बार तो आया नहीं, दो बार आता तभी तो माइनस होता है। चलो ठीक है, तो टी बराबर 10 प्लस 8 प्लस 4, तो कितना हो गया 22। सही है? सही कोने बेटा, टेंशन ना ले, यही तो बात है कि आधुनिकता में और पुराणिकता में यही फर्क है, बंदर बनाना हो मैं बोल दूं 22 तरह एकदम है, सही है, और हो सकता है मैं पॉसिबल बोलते भी बंदे, पर अब एक और चीज समझते हैं, तुम्हें यही तो शर्तें पूरी चाहिए, तो ये तुम्हें किसने कहा 22 हो तभी पूरी होगी। चलो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, एम को कितना उनसे बाएं से, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो बताओ यहां से कितना हो गया ये,
वाली शर्त पूरी होगी। दूसरी बता क्या है? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 होगी क्या? बीच में क्या होना चाहिए? तो ये तुम्हें किसने कहा कि 22 ही ये शर्त पूरी कर सकते हैं? भाई ये तो 12 भी कर रहे हैं। कौन कर रहे हैं? इसीलिए मैंने कहा बंदर बनाना हो, यहाँ के विद्यार्थियों ऐसा बंदर बना देते हैं, ये सोचते हैं बड़ा ज्ञान मिल गया। ईमानदारी है कि टीचर सामने वाला ईमानदारी के बिना आता ही नहीं है। मैं जैसा कोई साफ बोलते हैं उनको लगता है बड़ाई मार रहा है या फिर तुम्हें ज्यादा बोल रहा है, पता चलता है। लेकिन साल डेढ़ साल जब खर्च कर लेते हैं टाइम, तब याद आती है अरे पीटीआर सर कहाँ है, उनकी बात मान लेते तो ही ठीक था। मैं जानता हूँ यहाँ के मार्केट को कितना है और कितने दिनों में छोड़े बोधा इनको, हो गया ना? अभी तक कोई टीचर सेट नहीं हुआ। तो यार ऐसा क्या है, ऐसे क्या पढ़ा दिया मैंने बच्चों के, 7 दिन के अंदर उनसे टीचर सेट नहीं हो रहा? कुछ तो होगा ही, सही है गलत है? उन लोगों ने सोच रखा है बंदर जैसे बच्चे बैठे हैं। हाँ बिल्कुल बैठे थे, इसमें कोई दराय नहीं है। लेकिन जब उनको प्रैक्टिकल सहित हर चीज कंसेप्ट क्लियर कर दिया, अब उसके समझ में नहीं आ रही कि जवाब कैसे दें। अब उनके समझ में नहीं आ रही जवाब कैसे दें। वरना यार कोचिंग बहुत हैं, मास्टर बहुत हैं। अब तुमने बोल दिया 22 बिल्कुल, मैंने कहा सही, लेकिन यहाँ ये भी तो सही है, और ऑप्शन आपने देखा कि नहीं देखा, आपकी मर्जी। क्या दे रखा है? 12 और 22 दोनों सही है। इसको बोलते हैं ज्यादा से ज्यादा की स्थिति, यानी कि इसको अंग्रेजी में बोलते हैं मोर देन, और इसको बोलते हैं बेटा कम से कम, यानी कि लेस देन। और इसमें जो फॉर्मूला बना है वैसे यहां एक फॉर्मूला होता है L+R - M - 2। तो यहां पे देखें T = 10+8 - 4 - 2, तो T बराबर कितना हो गया 12। उतार लो यू के यू 0 बना बना के, और फिर नोट करके लिखेंगे जो लास्ट में लिखाऊंगा। हो गया डाउट क्लियर? और अब ये लिखेंगे स्थिति कब बनती है, ये M की वजह से बनती है, मध्य के व्यक्ति, मध्य के व्यक्ति की वजह से बनी है स्थिति। कर लिया बेटा? कर लोगे क्या? कर लोगे ना? अगर उतार लिया और नोट करके लिखें, जब भी मध्य के व्यक्ति दे रखे होंगे, जब भी मध्य के व्यक्ति दे रखे हों, तो हमेशा ये दोनों फॉर्मूले लगाने चाहिए, तो हमेशा इन दोनों फॉर्मूलों को लगाना चाहिए। कौन से दो फॉर्मूले? T = L+R + M, ये क्या होगा मोर देन, मतलब इसमें संख्या क्या बताएगा ज्यादा, और
टी बरा टी प्लस एल प्लस आर माइनस एम, माइनस आते ही समझ जाओ कम हो गया, मोर देन में प्लस नहीं, प्लस है माइनस नहीं है, माइनस का दो, ये क्या हो जाएगा लेस देन, मतलब ये संख्या बताएगा कम से कम, लेकिन एग्जाम में तुम्हें कभी ऊपर नहीं लिखेगा, उसे मोर देन चाहिए के लेस देन चाहिए, डिपेंड तुम पे करता है, वो सिर्फ सवाल करेगा। कई बार मैथमेटिकली फॉर्मूले से क्या होगा, एक पहलू गलत होगा और एक पहलू सही होगा, कैसे समझाता हूँ, अगला सवाल समझ में आ जाएगा। यहाँ दोनों उत्तर आ गए, कई बार मैथमेटिकली क्या होता है, एक फॉर्मेशन बनेगा ही नहीं, दूसरा बनेगा, वो अपने आप ही सही गलत हो जाता है, लेकिन जब भी मध्य का व्यक्ति हो तुम्हें दोनों करने चाहिए, समझ में आ गया, लिखो। देखिए एक कतार में या कक्षा में एक ही बात है, एक कतार में M का बाएं से 19वां, R का बाएं से 13वां स्थान, दोनों के मध्य में कुल का 1/4 व्यक्ति बैठे हैं, तो कुल व्यक्ति ज्ञात करें, ये भी एग्जाम में आया था ऐसा सवाल, दोनों के मध्य में कुल का 1/4 व्यक्ति बैठे हैं, तो मध्य के सॉरी तो टोटल व्यक्ति ज्ञात करें, चलो करो करो करो, कितना बेटा 40, और कोई जल्दबाजी मत किया करो भाई मेरे, ऐसा टपरेड़ी सवाल में देता ही नहीं हूं, हल करेगा तो होगा, पर पढ़ाई से दूर दूर तक का नाता नहीं है तुम्हारा, ये तो कंफर्म है, मनु लगा था रिश्तेदारी में पढ़ाया हो इकट्ठे ही, तो कैसे होगा जुगाड़ भाई साहब, काम तो सारे करने पड़ेंगे, सही है गलत है, अगर जो भी लगने की सोच रखी है तो फिर सीरियस हो, ऐसे थोड़ी होगा यार, जैसे ये हंजरा सोता रहता है, ऐसे होना चाहिए, डेडिकेशन होना चाहिए किसी चीज के प्रति, तो किसकी तैयारी कर रहा है, आर्मी, तो आर्मी जो आर्मी में पेपर में ना पास कर ले वो, तो कौन है पेपर, हाँ पहले पेपर ही बह गए फिर क्या दौड़ा बता, तो तेरी दौड़ काम की क्या है आप बता, पता सही है गलत है, अरे दौड़ के दिखावा क्या गो, पहले पेपर तो पास हुआ, तो को पी लिया बेटा पीने दो, वो पी लिया होना ही, तो क्या टेंशन ना ले, वो गया टाइम तो काला कौन गया है बेटा, टाइम गया बेटा, और अगर वाई टाइम होती थी कोचिंग है, अगर वाई टाइम होती ना तो कोचिंग के मैंने ये कौन बैठता पूरे लाइन लगा के तारा नंबर आओ तो टाइम लगा के, तो सुने ना कोचिंग के बारे में, तो वह टाइम तो चेंज बोला बोला ही बदल गई, समय जरूर बदलता है लेकिन ये उल्टे पुल्टे काम है लंबे नहीं चलते, इनकी एक मियाद होती है। हाँ कितना आया, अरे भाई तेरे पास दो फॉर्मूले हैं, सबसे पहले देख जब सवाल के अंदर क्या शब्द आ गया,
क्या आ गया? तो मध्य के तो फॉर्मूले दो ही हैं, कौन से बता जरा, बता दे बता। एल मतलब लेफ्ट, आर मतलब राइट, एम मतलब मिडल, एक फॉर्मूला ही हो, दूसरा बता। सही है, ये उनका कुल का एक बटा चार, तो मान ले कुल टी है, एक्स मान ले टी मान ले, तो कुल अपना है टी। लेफ्ट की संख्या कितनी है, आर की संख्या कितनी है, एम की संख्या कितनी है, टोटल का एक बटा चार, तो इसका मतलब टी बाई फोर, टोटल तो यही है, हो गया सवाल। तो ये सवाल में अगर संख्याएं पुट अप नहीं कर सकते फिर क्या करोगे यार। एल टी बाई फोर माइनस फोर, सही है गलत है, टी ना टी की साइड में ले जाओ क्योंकि अल्फाबेट अल्फाबेट से हलवा, ये नंबर नंबर से हलवा को, तो ऐसा लाओगे तो क्या हो जाएगा, माइनस 1913 32 बटा चार टी में से एक टी गए तो, अरे लघुत्तम देगा तो सीधे एक गुणा कर देना, चार टी माइनस एक टी, तो चार टी में एक टी गए तो यो आ गो, यो एन काटे गो, तीन बत्तीस में काटे ही बना, सही है क्या भाई, और अगर तीन बत्तीस में नहीं काटे हो तो संख्या जाएगी पॉइंट में, कैम चलेगी संख्या, कैम चलेगी पॉइंट में। अच्छा एक चीज बताओ, ताने को बारह का पूछा है नुके भाई ताली क्लास में क्या टाप रहती है, बोलोगे ये है 56 साढ़े 56, ऐसे बोलोगे क्या, क्या क्या बोलोगा 56 60 56 57, कोई टापर बोलोगे ना कि है 55 है 55.5 है, नंबर संख्यात्मक नंबर कभी भी पॉइंटों में नहीं आ सकते, सही है। हाँ कोई तब वो इतने कहते मुझे 6 महीना बैठे हो तो उन पॉइंटों में गिन सुना पा, क्योंकि एक तो आज मैंने आदो है वो, तो वो स्थिति यहाँ तो है भी नहीं, सही है भाई। अरे उसका आंसर आज को कोई ना कैद के आदो कर दे, ले भाई तू पूरा बनी आओ तो क्लास में आदो कर जा, क्यों आंसर वो एक अलग बात हो गई, पर मुझे बताओ क्या कर्म परीक्षण का सवाल पॉइंटों में हो सकता है, क्योंकि कर्म परीक्षण में क्या चलता है, कक्षा का परीक्षण, वर्ग का परीक्षण, किसी का परीक्षण, और अगर किसी भी समूह में संख्या की बात करें तो वो कभी पॉइंट में नहीं हो सकता, हमेशा ही क्या होगा पूर्ण होगा। इसका मतलब ये हुआ ये इस वाले सवाल पे ये फॉर्मूला अप्लाई नहीं होगा, सही है गलत है, तो फिर यहां देखते हैं, आप इधर ले जाओ, अब की बार ये क्या होगा माइनस के प्लस प्लस, 32 में से दो गया तो 30/1, चार टी में एक टी ऐड कर दो, सही है, ये पांच काटेगा इसको कितनी बार, और ये आपको पता है मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो कितना आ गया टोटल 24, उतार लो, वैसे 40 करके आते हैं तुक्के मारने वाले, टेंशन मत ले, पहला ऑप्शन मिलेगा 32 40 पहला मिलेगा, किसका एक बटा चार है, अरे किसका एक बटा चार है, ये क्या है टोटल का एक बटा चार, तो टोटल का मतलब क्या है टी, तो टी को चौथा हिस्सा, अब तन ने बेरोगे टी कितना है, तो वो चौथा हिस्सा लिख दिया, मत बेरो की दिक्कत होगी, गणित सीखने में टाइम लगेगा बेटा, लेकिन अगर सीखने की इच्छा है तो सीख जाएगा। तो आज तेरा दोस्त कैसे गर्म हो गया, हाँ बुला के लाओ, जब बुला के लाओ, अरे यार तेरे घर का आदमी है हिसाब से करोगा तो क्या काम चलोगा, कर लोगे बेटा कर लोगे सवाल, ये गणित ये मुझे समझाना पड़ेगा क्या बेटा, ये यहाँ पे जब बराबर में संख्या होती है तो ये इसको काट सकता है, 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 ये ऐसे गुणा बनेगा तो गुणा होता है, समझ में आ गया, सिंपल सरल सा तरीका,
काटने का मतलब ऐसे काट सकता है, ऐसे काट सकता है, ऐसे काट सकता है, ऐसे काट सकता है, लेकिन ऐसे कर दिया तो वो क्या हो जाएगा, गुणा हो जाएगा। कोई भी चीज बनी है ना वो साइंटिफिकली बनी है, उसको दिमाग में तुम रखते हो सीधा है, ये इधर गया ये इधर गया तो क्या कौन सा चिन्ह बन गया, गुणा होगा। ये इसको काट रहा है ऐसे, ये इसको काट रहा है, ये इसको काट रहा है, ये इसको काट रहा है, तो हमेशा ऐसे बराबर में करते हैं, समझ में आ गया। रट्टा मारना ही नहीं है, साइंटिफिकली समझो ना इसको। गुणा का साइन एक ही तरह बनता है क्रॉस होने पर, तो गुणा तभी होता है जब क्रॉस होंगे, और गुणा हो ही नहीं पाते। ये काट इसको रहा है क्योंकि ये गुणा हो गया, यहां आ सकता है ना, ये पांच यहां आ सकता है, अब पांच यहां पे आ जाए तो पांच इसको काट देगा तो सीधा ही काट दो, क्या गर्म हो तू बेटा, हाँ बैठ बैठ बैठ, जगह दे छोरा जगह दे, अरे उरा मेरे से गर्म थोड़ी हो रहे तू, बैठ तो तेरा मन को लगा मेरे, बैठ तो सही दिमाग काम कौन करो मेरे, बैठो, अरे बैठ जा बड़ा, तो सच्चे गर्म हो गया ज्यादा हो गई झिड़बिड़ेंगे, और कौन सा दर्द दिया वो भी ऊपर पड़े है, मैं दिल पे मत लिया था यार, आर भी तैयारी करो, छोटी मोटी बातें दिल पे लेके बैठ रहा, तैयारी मत ला क्यों, अगर आर्मी की तैयारी कर रहे हो रहे बातान लेके बैठ गया तो आर्मी में आएगा, पर्वतन मिलेगा सुनने सुबह से लेकर शाम तक, तो अगला गोली मार दे और खुद को गोली मार लेगा, सब क्यों करो अखबार में सुर्खियां मुराओगा दे, देखे होगा आजकल आजकल आ भी रहे अखबार में ये चीज आवा ना, आजकल तो देखे भी होंगे बहुत सी बीच में घटना भी हुई कि सामने वाला गोली मार दी, के कमांडेंट अफसर का गोली दी और खुद की गोली मार ली, वो इसी वजह से होता है क्योंकि आजकल क्या है कि भाई साहब सारा पारो इतना गर्म रहा है, बस बस गलती उनकी भी है क्योंकि कई बार कमांडेंट अफसर लिमिट क्रॉस कर देता है, फैमिली तक इनको हो जाता है, उस टाइम में दिक्कत हो जाती है कई बार, लेकिन वो गुस्सा अगर यहाँ से आम रहे तो बढ़ता है, पर सीधा घोड़ा कर लें ये कमरा मुरमने में सीधे इनका तेज रहते खी बढ़ा देने से भाई सहमे, क्योंकि वो उस वक्त तुम लोगों को ट्रेनिंग इस प्रकार से मिल जाती है ना, उसमें दया धर्म तो खत्म हो ही जाता है भाई, ट्रेनिंग ट्रेंड पर्सन का यही तो सबसे बड़ी समस्या है, ट्रेनिंग का मतलब क्या होता है, फीलिंग्स को मारना। अब तो तुम 10 बार सोचोगे मैं गोली मारूंगा अगला टावर के करेंगे अगले वाई कर जाएंगे, माँ बाप एक हुए तो कर जाओ मार से पहले 10 तो ख्याल आओ इतना अगला फेल देव तारा तारा ख्याल गया बाढ़ गए, तुम सोचो तार लगे रहो तो वेल ट्रेनिंग का मतलब होता है इन फीलिंग्स को दबाना। अब सबाई गो माओ की भी कहे वो ट्रेंड अफसर है, अब अन्न काकन की भी कहे तो ट्रेनिंग तो सीधी सी काम आवा देखिए वाले तो सुना या सिखाई मानते तेरे बड्डे में देखिए वाली सारे, और हुए हैं इन दिनों बहुत हुए हैं लेकिन अब बंद हो गए ये चीज़ें, ये कांग्रेस टाइम में होते थे क्योंकि वहाँ पे लाल फीता शाही चलती थी, उन दबा दियो उन दबा दियो उन नौकर बना दियो, ये चीज़ें बहुत चलती थी फौज में, अब तो बहुत बहुत ज़्यादा सुधर चुके हैं, जेल सुधर की फौज के है, तो अब कर लोगे ना चीज़ें तो पक्की बात है के कन्फर्म है। चल तो एक सवाल और करके दिखा दो यहाँ कोई दे दू चले हो ना, चल दो आई लेवल को देना कि आसान देना, चलो आसान देते हैं लिखो, अब की बार यहां संख्या बताते हैं, चलो बता दो सवाल लिख दिया बोर्ड पे, एक कतार में M का बाएं शट 20वां स्थान, R का दाएं शट 28वां स्थान, दोनों के मध्य में 15 व्यक्ति, टोटल व्यक्ति ज्ञात करो,
बता बेटा बता, दो त्राय के एक। अरे यार भाई मेरे, 1000 पे कह दिया, जब मध्य का व्यक्ति होगा उत्तर हमेशा दो ही बनेंगे, एक ज्यादा से ज्यादा और एक कम से कम। 63 सही है। दूसरा बता, 63 हो रहे, 31। चल, जब भी मध्य का व्यक्ति आ जाता है, अपने पास फॉर्मूले दो हैं, पहला और दूसरा। यहां कुछ बोला नहीं, उसे मोर देन चाहिए के लेस देन, तो तुम्हें दोनों ही करने चाहिए। ऑप्शन में या तो एक मिलेगा या दोनों मिलेंगे। समझ में आ गया? आजकल दोनों ही ज्यादा प्रीफर करता है, दोनों रख देता है, जैसे मैंने स्टार्टिंग में रखा था 15 और 22, वैसे। बीच में कितना, 15, तो ये हो गया 20 प्लस 15 कितना, 35। 35 प्लस 28 कितना हो गया, 35 28 53 होते क्या? अरे 28 तन, 28 तन्ने यार, 28 ही है, उरे भी 28 लिख रहा, क्यों है उरे भी? तो कितना हो गया? जो आंसर सही है, गलत कौन बता रहे हैं, लेकिन जो कौन सा आंसर है, ज्यादा से ज्यादा, ज्यादा से कम में माइनस आता है, ज्यादा ज्यादा माइनस नहीं होता। एक बताओ, टी बराबर एल कितनो, आर कितनो, एम कितनो, और माइनस दो, 15 और 2 20 में 17 गया तो 3, 28 प्लस 3 उतार लो, दोनों सही है, दोनों सही है। केस में 28 भी हो, सॉरी 63 भी हो सकता और 31 भी हो सकता। क्लियर? चलो 2:30 बजे तक लेंगे क्लास, तो क्योंकि अभी मुझे जाना है, बच्चे आए हुए हैं साथ में, दोनों जाए। कर लोगे, कंफर्म है? चलो तो फिर एक और सवाल पूछते हैं। एक ये सवाल हो गया, अब इनका पहला टाइप मैंने बता दिया सिंपल सा, पहला टाइप कौन सा बताया था मैंने, उसमें ये फॉर्मूला होता है टी बराबर एल प्लस आर माइनस 1। इस सवाल, इस फॉर्मूले में क्या नहीं दिख रहा आपको, एम नहीं दिख रहा है, क्या नहीं दिख रहा, एम नहीं दिख रहा। टोटल के तीन फॉर्मूले होते हैं, कौन सा, एक वो लिखा, एक ये लिखा और एक ये लिखा, इसमें और इन दोनों में और उनमें क्या फर्क दिख रहा आपको? उसमें तो कुछ नहीं होता, सिंपल सवाल होता है, लिखो सवाल, देखे बताता हूं। एक कतार में, एक कतार में जैसे मान लो यही हो गया ना, लेकिन यहां दो व्यक्ति नहीं आएंगे, एक कतार में M का बाएं से 20वां और दाएं से 28वां स्थान, एक ही व्यक्ति के बारे में चर्चा होती है। इस फॉर्मूले में एक व्यक्ति के बारे में चर्चा होती है, और इन फॉर्मूलों में दो व्यक्तियों के बारे में चर्चा होती है। सही है? फर्क समझ में आ गया सबके? तो यहां पे सवाल हो गया M का बाएं से 20वां स्थान और दाएं से उसका कौन सा स्थान, 28वां स्थान, बताओ कुल व्यक्ति कितने हैं? तो यहां 47 कुछ नहीं करना, क्यों? क्योंकि यहां सिर्फ सिंगल व्यक्ति के ऊपर बात की, और सिंगल व्यक्ति के लिए फॉर्म ये रहा, डबल व्यक्ति के लिए फॉर्म ये रहा फॉर्मूला, ठीक है? तो यहां पे हो गया t बराबर 20 प्लस 28 माइनस 1 बराबर कितना हो गया बेटा, 47। ये तो आपका नॉर्मल फॉर्मूला हो गया। दूसरा, स्थान परिवर्तन वाले में आपको मैंने बिना फॉर्मूले बता दिया, जरूरत ही नहीं आपको किसी फॉर्मूले और मिलेगी, बताया था मैंने। फिर तीसरा, ये क्लास के विद्यार्थी इधर बिठा दिए, इधर बिठा दिए, इसमें भी किसी फॉर्मूले की जरूरत नहीं है। क्या लिखवाया था इसमें मैंने, 5:7। फिर आ गया आपके मध्य वाला, इसमें फॉर्मूले की जरूरत है, बिना इस फॉर्मूले के आप नहीं कर पाओगे। तो ये तीन फॉर्मूले हैं आपके पास, ये ध्यान रखें। सवाल लेवल का और भी कर सकता है ये, अभी तो नॉर्मल 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 दिया मैंने। चलो एक सवाल और पूछता हूँ मैं, करके बताऊँ जरा।
कर लोगे ना? चलो सवाल लिखो फिर, कोई एक मैदान में बैट, क्रिकेट का बैट जो होता है ना, बल्ला, एक मैदान में बैट और बॉल, बैट और बॉल को एक कतार में रखे गए हैं, एक कतार में रखा गया है, एक मैदान में बैट और बॉल्स को एक कतार में रखा गया है, प्रथम स्थान पर एक बैट रखा है, उसके बाद एक बॉल रखी हुई है, दूसरे बैट के बाद में दो बॉल रखी हुई है, और तीसरे बैट के बाद में तीन बॉल रखी हुई है, मतलब समझ गए इसके कहने का, बैट फिर एक बॉल, फिर एक बैट आया, फिर दो बॉल आई, फिर तीसरा बैट आया, तो उसके बाद कितनी बॉल आई, तीन बॉल, तीसरे बैट के बाद में तीन बॉल रखी हुई है, और यह क्रमांक आगे भी इसी प्रकार से जारी है, मतलब चौथे बैट के बाद में चार, पांचवें बैट के बाद में पांच, समझ में आ गया बेटा, और यह क्रमांक आगे भी इसी प्रकार से जारी रखा गया है। अगर कतार में 66 बैट और बॉल हैं, अगर कतार में 66 बैट और बॉल रखे गए हैं, और फिर इन बॉल को ए और बी दो खिलाड़ियों को दे दिया गया, फिर इन बैट और बॉल को ए और बी दो खिलाड़ियों को दे दिया गया, फिर इन बैट और बॉल को ए और बी दो खिलाड़ियों को दे दिया गया, फिर इन बैट और बॉल को ए और बी दो खिलाड़ियों को दे दिया गया, ए के पास 1 से 33 तक आए और बी के पास 34 से 66 तक आए, ए के पास 1 से 33 तक, 1 से 33 में जो भी जितने बैट बॉल आए, ए के पास 1 से 33 तक और बी के पास 34 से 66 तक बैट और बॉल आए, बी के हिस्से में कितने बैट और बॉल है, बी के हिस्से में कितने बैट और बॉल आए हैं, ये आपको संख्या बतानी है। बड़ा सीधा सवाल पूछा ना मैंने, पूछा है वह सवाल, चलो बेसिक करो, 66-0 बना लो तो क्या अलग बना लोगे ना, बैट बॉल, बैट बॉल, बॉल बैट, बॉल बॉल, बॉल बैट, यहां करोगे ना, कर लो कर लो। तरीका आप लोग ढूंढो, आपका काम है। सवाल तो समझ में आ गया सबके, जैसे मान लो ये बैट है, फिर ये बॉल रख दी, अब दूसरे बैट के बाद में कितनी बॉल रखेंगे अपन, दो बॉल, तीसरे के बाद में कितनी रखेंगे, तीन, चौथे के बाद में चार, अब ए के हिस्से में 1 से 33 तक आए हैं और बी के हिस्से में 34 से 66 तक आए, तो ये पूछा है बी के पास कितने बैट और बॉल गए, तो सवाल तो आजकल ऐसे आते हैं बेटा, 0 बना लो कोई ना, आराम से कर लो, चलो कल कर लेना आराम से, दूसरा सवाल पूछता हूँ, ठीक है, आराम से 0 बना बना कर ही लोगा, अगर आराम बैठ के तो रूम पर बैठ के कर लेगा, यो बैट या बॉल, यो बैट और ये दो बॉल, यो बैट और ये क्या बॉल,
तीन गोल तो यो ऐ गिन लियो लग गया रे टाइम पास हो जा उत्तर तो आ जावे मने फिर ये भाई 66 तक के बाद उत्तर तो आवे गो बीच में काट दे दूसरा पार्ट गिनो है बॉल बैट हो गिनो लेकिन आया फिर एक ही सवाल भगो और एग्जामिनर ऐसे सवाल तुम्हारे लिए डालता है क्यों उस हाँ क्या अरे काका बैट और बॉल दोनों दोनों 66 हैं 16-17 कैसे ले आए हो अरे बैट और बॉल दोनों ही की संख्या कितनी बताई मैं 66 सौ को बताई मैं 66 ही बोले हूँ गुरु जी मैं बस ये वही है ये बैट या बॉल ये दूसरो बैट पूरा दो बॉल ये तीसरो बैट पूरा तीन बोल तुम 6600 कर सक रहे हो 66 तो मैं सारी दे रहे हूँ करता हूँ मैं टोटल 66 ज्यादा तो बहुत वही वही कम से कम सुत्ते हो गए तुम अरे 66 से ज्यादा संख्या वही कम से कम और 66 में सारी बोल गए थी मैंने तो सवाल का 66 से तो कम बोल है ही है ये बोर्ड पे लिखा है देख ऐसे पहला नंबर पर पहला बॉल बैट दूसरा बैट कौन सा नंबर पे है के है 66 रन क्यों था अरे टोटल 66 है गुरु जी बैट प्लस बॉल दोनों ही 66 हैं 66 रन जाके बैट बॉल कर साऊंगा या तो मैं कौन बोले 66 बैट हैं 66 बैट कौन बोले भाई 66 बैट हो रहे बोल दोनों हैं जो यहां कर ले यो बैट रहे हो या बोल रही यो बैट रहे हो ये दो बोल रही ये तीसरा बैट है ये चार अब क्या हो गया भाई ये एक दो तीन चार पांच छह सात आठ नौ नौ तो ये भी हो गया नौ तो ये भी हो गया अब नौ का मैंने क्या वाला है देख ले ले एक नौ का मैंने छह तो क्या आ गई भाई बोल और क्या बैट आ गया तीन बैट आ गया और 66 का मैंने तल्ले पे रहे हद मार गए लास्ट 15 से पहले पहले खत्म हो लेंगे बैट हद मार गए वो तारो काम है देखोगे अगर पिचपन बोल है 11 बैठे हैं पिचपन बोल है और 11 बैठ है अब कहीं करोगा हाँ कोई इलाज में पहले बताऊं लेकिन कर लो तो नहीं है ऐसे सवाल में जिसमें ये कहा कि एक के बाद एक दूसरे के बाद दो तीसरे के बाद तीन चौथे के बाद चार उसमें कुछ मत करो जो भी टोटल दे रखा वो अगला देगा कितना दे रखा टोटल डबल कर दो कितना हो गया 66 डबल कितना हुआ है और 132 से पहले वर्ग संख्या कौन सी है अब अगर ये याद नहीं तो मैं भी नहीं बता सकता 121 और इसका वर्गमूल कर दो कितना ये 11 वो है जो प्रथम स्थान पे रखे गए तो प्रथम स्थान पे बैट आया था कि बॉल आया था तो 11 तो बैट हो गए और अगर 66 में 11 बैट है तो 55 क्या है बॉल ये तो हो गया तुम्हारा हिसाब किताब सीधा सीधा अब दो हिस्सों में बांट दें फिर कैसे करें वो मुकदमे कल समझाऊंगा तो सबसे पहले तो इस प्रकार के सवाल में कितने बैट कितने बॉल ये समझने के लिए सीधा तरीका क्या है डबल करो किसको जो भी टोटल दे रखा है फॉर एग्जाम्पल 45 दे दिया मैंने आपको कितना दे दिया 45 तो बताओ 45 तक कितने बैट और बॉल आएंगे 9 बैट बिल्कुल और
36 बोल, सिंपल है। क्या यहाँ 45 का डबल कितना, और 90 से पहले क्या देखोगा, 81 किसको है, तो इसका मतलब 45 में से 9 बैट तो 36 है, समझ में आ जाओ। चलो तो बताओ अगला, बताओ दिखाते 32 में तो ना, 32 नहीं, 32 होए कौन से, 36 हो उसके, 36 में तो अरे मन ने बेहतर की बता, मैंने संख्या बता दे, 36 ताई क्या बैट बोल आ गया, 8 सही आंसर, 8 के बैट तो बॉल कितने, 28 सही है क्या, कैसे किया, 36 का डबल 72 से पहले 8 का वर्ग है, तो इसका मतलब 32 माइनस 8 कितना हो गया, 28, तो 8 और 28 ये इनका रेशियो हो गया, 8 और 28 इनका रेशियो, सिंपल सा है, कर ले बने तो, और 78 में तो समस्या दारा आगे बढ़ना है, क्योंकि 10 तक की वर्ग तो याद है दारा 78 से आगे, सही है 12 बैट क्या, क्योंकि 78 का डबल कितना हो गया, 156, और आएंगे पीछे कौन बैठे है, 144, तो ये काम तो करने वाला आराम था। ये दूसरी कंडीशन है, तुम्हारे एग्जाम में हो सकता है फर्स्ट कंडीशन पे सवाल खत्म कर दे, और वैसे तो जितने भी सवाल आए वो दूसरी कंडीशन हमेशा रखता है, दो भागों में बांटा 33 33, दूसरे हिस्से में पूछता है, ये भी एकदम सिंपल है, बिना कॉपी पेन करवा दूंगा मैं, अपने आप ही हो जाएगा, टेंशन मत लो, यहाँ तक समझ में आ गए सबके। अच्छा चलो 10 हुआ तो 10 खाली 10 4 के और बाकी 6 बाकी 6 तो ये क्लियर हो गया कि ऐसे सवाल में अगर हमें दोनों चीजों को डिवाइडेशन करना हो तो सिंपल सा तरीका है, डबल करेंगे, पीछे की वर्ग चुनेंगे, जो वर्गमूल होगा वो प्रथम स्थान वाला होगा और बाकी घटा देंगे, अपने आप ही आ जाएगा, सही है एकदम, कर लोगे ना, और 28 हो तो 28 हो जाएगा, करेगा बहुत आना चाहिए, 28 हो तो 7 कितना, अंतर भी उतना मिलेगा जितना वर्गमूल है, 56 और 49 का अंतर देख लो, 7 का ही वर्गमूल भी 7 है, जितने भी मैंने सवाल किए देख लो, चाहे 132 में अंतर कितने का है, 11 का, वर्गमूल भी कितने का है, 11 का, क्योंकि निश्चित फॉर्मूले में चलता है, मैथमेटिक्स का एक फॉर्मूला होता है, उस फॉर्मूले के आधार पर चलता है, अपनी जुबान पे हो वैसे नहीं चलता, ठीक है। बाकी मैं दूसरे पार्ट में पार्टीशन करने के बाद में कितने कितने हैं इसका तरीका भी सिंपल है, कल समझा दूंगा, कोई ज्यादा खास नहीं, अगर दिमाग लगाओ तो। अब यहाँ कुछ बंदे ऐसे बैठे जिन्हें अभी तक वर्ग की संख्या नहीं पता, क्यूब क्या होती है वो नहीं पता, तब उनको कितना पढ़ाएं आप बताओ, वो तो फिर वही बात होगी, एलकेजी वाली सी बात होगी ना, इतना भी मत ए गुजर बनो भाई, वर्ग संख्या आती है तेरे को, इसको बंद कर रहे, इसको बंद कर, बाद में बात कर,